कैंट थाना क्षेत्र स्थित टाउन हॉल के समीप भालूटिया मार्केट में दवा खरीदने आए सिद्धार्थ नगर जनपद के शौहरतगढ़ में मेडिकल स्टोर चलाने वाले युवक से टप्पेबाजों ने बैग में रखा हुआ 1 लाख रुपया उड़ा दिया। महानगर के भीड़भाड़ इलाके में दिन दहाड़े हुए इस घटना की सूचना मिलते ही मुकामी पुलिस के साथ SPCT विनय कुमार सिंह, CO क्राइम प्रवीण सिंह, CO कैंट प्रभात राय मौके पर पहुंच गए और मामले की तफ्तीश में जुट गए। गौरतलब है कि शुभम वर्मा पुत्र जितेंद्र वर्मा सिद्धार्थ नगर जनपद के शौहरतगढ़ में प्रेम मेडिकल स्टोर के नाम से दुकान चलाते हैं। शनिवार को शुभम वर्मा दवा मंडी भालूटिया मार्केट में दवा लेने आए थे। वे अभी मार्केट के अंदर प्रवेश ही कर रहे थे, तभी 2 बाइक से सवार 4 व्यक्ति पहुंचे और अपने आप को बड़ा अधिकारी बताकर उनका बैग चेक करने लगे। इसी दौरान उन युवकों ने झांसा देकर शुभम वर्मा के बैग में रखा हुआ 1 लाख रुपया उड़ा दिया। स्थानीय दुकानदारों की मदद से दवा व्यापारी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। दिन दहाड़े हुई टप्पेबाजों की घटना से सकते में आई पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास की दुकानों में लगी CCTV कैमरे को खंगालने में लगी, जिससे बदमाशों को पहचान हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीड़ित युवक शुभम वर्मा और CO कैंट प्रभात राय ने बताया। नहीं नहीं
ये दो लोग जो सफेद शर्ट में हैं सर, यही दो लोग की उम्र 45 के ऊपर है। ये जो लड़का पीले शर्ट में बैग लिया है, इसका बैग चेक एक इधर आया, इसको मेडिकल शॉपिंग के लिए आए थे, चलाते हैं चार लोग आए एक कार से। शुभम वर्मा, दो लोग आकर हमारा पैसा, मतलब अपने आप को बोल कर अधिकारी बोलकर पैसा निकाल लिए हैं बैग से। और क्या एक लाख रुपया था सब, बिना सिना दिए थे, मुँह नहीं बांधे थे, वो बड़े मतलब मोटे वोटे थे, सफ़ेद रंग की शर्ट थी, ब्लैक रंग के पैंट थे, गोरे गोरे से थे। तो हम मेडिकल स्टोर चलाते हैं सरोदगढ़ सिद्धार्थ नगर में। हाँ सर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कभी हम किसी से ना बोले ना कुछ, अपना आते मार्केट करते हैं, मार्केट कर फिर हम अपने घर चले जाते हैं। सर बताए तो एक लाख रुपया था। ये सूचना मिली थी कि लूट हो गई है 1 लाख रुपए की, तो इस सूचना पर स्थानीय पुलिस और हम लोग मौके पर आकर जांच किए, तो हर परत को जब जांच किए तो मामला ये आया कि दो बाइक सवार थे, जिस पर चार लोग थे, एक बाइक पे दो, और पीछे बैठने वाले व्यक्ति सफ़ेद शर्ट और काला पैंट पहने हुए थे दोनों, और दोनों में एक बाइक से उतरा पहले एक ये व्यक्ति, और इनको जो है बुलाया प्यार से, ये जा रहे थे तो बुला के लाया, फिर उसके बाद दूसरा व्यक्ति इनको बोला कि अपना बैग चेक कराइए, और ये पूछे क्यों बैग चेक कराएं, तो उसने कहा कि हम दोनों लोग ऑफिसर हैं, तो उन्होंने कहा आई कार्ड दिखाइए, लेकिन वो दोनों व्यक्ति बोले हम लोग बड़े ऑफिसर हैं, बैग चेक कराइए नहीं तो आपको दिक्कत होगी। इसी वाह में ये डर करके अपना बैग चेक कराने लगे, और बैग चेक कराते वक्त दूसरा व्यक्ति इनका आई कार्ड मांगने लगा, उसी दौरान ये उधर उलझ गए आई कार्ड दिखाने में, तो जो एक अन्य व्यक्ति जो अपने आप को बड़ा ऑफिसर बता रहा था, वो इनका बैग चेक करते वक्त इनके पैसे थे जो निकाल लिया, और दोनों लोग फिर उसके बाद इनका बैग इनको दे दिए और चले गए। इनको बाद में लगा कि कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो इन्होंने बैग अपना बाद में इनको लगा कि हमारा पैसा है, तो इन चेक करना चाहे होंगे, बैग जब चेक किए तो उसमें पैसा गायब था। कुल मिलाकर ये जो सूचना थी ये टप्पेबाजी की सूचना प्रथम दृष्टया संज्ञान में आ रही है। पैसा ले कहाँ जा रहे थे, ये पैसा ही बता रहे हैं कि मार्केट करने जा रहे थे, ये मेडिकल सिद्धार्थ नगर के रहने वाले हैं, मेडिकल शॉपिंग के लिए आए थे ये। हाँ ये